हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेलवे ग्रुप डी रिक्वायरमेंट। जी हाँ, काफ़ी सारे पोस्ट है दोस्तों। अगर आपने सिर्फ 10 पास किया है, इस रिक्वायरमेंट के लिए आप क्वालिफाई हो और आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे आप अप्लाई करोगे, यही मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स में बताऊंगा। बस ये सारे प्रोसीड्योर जो है फॉलो करने होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले, चैनल में नए आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है, बट हमारी काफ़ी मदद हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अभी हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले तो आपको जाना है इंस्टेंट सरकारी जॉब्स, और मैंने भी अपने मोबाइल में वेबसाइट खोल रखा है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, रेलवे ग्रुप डी रिक्वायरमेंट 2023, 95,000 से भी ज़्यादा पोस्ट है। कुछ पोस्ट क्लास 10 के लिए हैं, कुछ जो है ITI लेवल के पोस्ट रहेंगे। और बाकी दोस्तों, जो यहाँ पे आप देख ही सकते हो, अप्लाई मोड ऑनलाइन है। इस रिक्वायरमेंट के लिए आपको जो है ग्रुप डी लेवल 1 देखने को मिल रहा है, और इंडिया के कहीं से भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चों का इसमें डाउट है, और मुझे काफ़ी सवाल भी देखने को मिलते हैं कि सर, रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है वो कैसे फेस में आएगा और कौन सा प्रोसीड्योर रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आप देख सकते हो, सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा पहले आपका, उसका एडमिट भी आपको पहले निकलेगा, फिर उसके बाद आप जो है CVT टेस्ट दोगे, उसके बाद जो है PET आपको फिजिकल देना होता है। एक पोस्ट के लिए फिजिकल की ज़रूरत नहीं है, कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जिसमें PET की ज़रूरत है। और इसके ऊपर भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं, RPF कॉन्स्टेबल को लेकर। तो वहाँ पर जो लोग भी अप्लाई करेंगे उस कैटेगरी, उन लोगों के लिए जो है फिजिकल मैंडेटोरी हो जाएगा, और उसके बाद जो होगा मेडिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद जो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो काफ़ी सिंपल सा प्रोसीडियर है। और दोस्तों, यहाँ पे जो CVT एग्जाम का पैटर्न है, आप देख सकते हो, इसमें यहाँ पे जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स के जो है सब्जेक्ट आएंगे। और यहाँ पे जो मार्क्स है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, और कितने ड्यूरेशन रहेगा उस एग्ज़ाम में, सब कुछ दिया हुआ है। और यहाँ पे जो है मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम जनरल का एज है 33 ईयर्स होना चाहिए। बाकी OBC SC ST के रिलीज को एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपको सिर्फ 10 पास रहना चाहिए, और बाकी कुछ और भी स्पेशलाइज पोस्ट के लिए जो है ITI होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो, और नीचे में और भी कई सारे पॉइंट्स है, हाउ टू अप्लाई फॉर ग्रुप डी रिक्वायरमेंट। इसका स्टार्टिंग डेट जो है अभी तक शुरू नहीं हुआ है, मई से शुरू हो जाएगा, और इसका लास्ट डेट भी मई जून को ही रखा जाएगा, ठीक है। और दोस्तों, आप यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे शॉर्ट नोटिस जो है आप यहाँ पे क्लिक करोगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे जो ऑलरेडी मैंने नोटिस में डाल रखा है, यहाँ पे पेपर कट है, आप देख ही सकते हो। रेलवे में जो है 1.5 लाख का इस बार रिक्वायरमेंट होगा, वैसे भी पहले से ही 3 लाख जो है पद खाली है, मतलब 3 लाख पोस्ट जो है अभी तक फिलअप करना है। और इसके ऊपर और भी कई सारे वीडियोस मैंने बना रखा है दोस्तों, ये सारे जो डेट्स है काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं। आप पहले से ही जो है अपना डॉक्यूमेंट सारा सब कुछ रेडी करके रख दीजिए, क्योंकि आपको जो है ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके डायरेक्ट वहाँ से देख भी सकते हैं। तो जब भी इसका भर्ती शुरू हो जाएगा, आपको जो है अपडेट भी मिल जाएगा हमारे चैनल से। तो दोस्तों, उसके लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के बीच। दोस्तों, अगर अभी तक आपका कोई भी डाउट रहा इस वीडियो में, तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, हम जरूर आपसे कांटेक्ट करेंगे। इसके लिए मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।